गुरु सिद्ध साधनाएं नाम की उनकी पर्सनल डायरी थी। उस डायरी में से मैंने एक साधनाएं आज चैत्र की अमावस्या के दिन, चैत्र अमावस्या के दिन मैंने सुनी है। यहाँ का यहाँ की यानी उत्तर भारतीयों की वैशाख अमावस्या है और दक्षिण भारतीयों की ये चैत्र अमावस्या कहलाई जाती है। कहते हैं कि गुरु जी ने कहा था कि जोशी, इस संसार में बहुत सारे लोग इस कारण तड़पते हैं, इस कारण है कि हर बात को उनको नज़र आता है कि हमने पाप किया है। गुरु जी, मेरे से गलती हो गई, मेरी साधना सिद्ध नहीं होती, मेरा दुकान नहीं चलता, मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते, हमारे घर में पीते हैं, हमारे घर में सुख नहीं मिलता, पत्नी पति का झगड़ा होते रहता है, ये सारी दुर्गुणें, सारी चीज़ें क्यों होती है, क्यों व्यापार नहीं चलता और क्यों इस दुर्गुणों से बच्चे भी आजकल माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं और घर में एक अशांति बनी हुई रहती है। जब गुरु से बात में कहा, जोशी ये हमारे लिए पहली बार नहीं है, संसार में ऐसा हुआ ही, ऐसा नहीं हुआ नहीं कह सकते। तो गुरु जी ने कहा कि मैं तुझे एक उदाहरण देता हूँ। मैं बोले, गुरु जी कहिए क्या उदाहरण है। तो गुरु जी ने कहा कि एक बार नारद मामुनि यूं ही संसार में घूमते घूमते जा रहे थे, तो उनको जंगल से गुजरना पड़ा, एक राजा के पास जा रहे थे। जाते जाते उन्होंने देखा कि वहाँ एक डाकू जिसका नाम रत्नाकर था, वो डाकू आया और नारद मामुनि को पकड़ा। वो डाकू हर बार किसी न किसी को लूटता था और उस लूटे हुए सामान के साथ अपना परिवार का भरण पोषण करता था। और वह वाल्मीकि को ऋषि नारद को पकड़ लिया और कहा कि चल तेरे पास जो कुछ भी है दे। उन्होंने कहा, अरे क्या तंबूरी के साथ सन्यासी के पास क्या होता है यार, मैं नारायण नारायण करने वाला हूँ, मेरे पास कोई ये नहीं है रुद्राक्षमण। बोले, तेरा जिंदगी कैसी है, मुझे क्या दीवाना बना रहे हैं, तू खाना कैसे खाता है, तू इतने जंगल में आने के लिए तेरे पास धैर्य कैसा हुआ तुझे। तो उसने कहा, मेरे पास कुछ नहीं, बस यही है, तू सच नहीं बोलेगा तुझे मार डालूंगा। तो नारद महामुनि हंसने लगे, बोले तेरे बस की बात नहीं है, फिर भी मार डालता है तो मैं हूँ, मैं सन्यासी हूँ, करूँगा क्या, जीऊँगा क्या, ये मेरे हाथ में नहीं है, तू मार सकता है मुझे, लेकिन एक बात तुझे पहले ये मैं एक बात पूछता हूँ। उसने नारद मुनि ने रत्नाकर डाबू से पूछा कि मैं तुझे एक बात पूछता हूँ। बोलो, क्या। तो तू जो ये सब कर रहा है तो इसका तो पाप लगेगा ही लगेगा तुझे, लूट कर सबको खाता है, वहाँ उसके गले काट देता है, उनका सोना ले लेता है, उनको सब करते हुए पाप लगेगा ही लगेगा। तो पाप लगने से क्या होता है, बोले कल के दिन बीमार पड़ जाएगा, तुझे कोई देखने वाले नहीं रहेंगे, तेरे हाथ पैर पड़ जाएंगे, पाप से सर फूट जाता है, गला काट लेते हैं, तेरे सब लोग जाएंगे, ऐसा पाप होता है। तो उसने कहा, तो ऐसा कर, तू जो लूट के तेरे परिवारजनों को पाल पोस रहा है, तो जाके एक बार परिवार वालों से पूछ तो ले कि ये पाप जो मुझे कर रहा हूँ और तुम्हारे को पाल पोस रहा हूँ, इस पाप के भागीदार आप भी बनोगे, मेरा अगर मेरे को बीमारी आती तो वो बीमारी आप लोगे, मेरे हाथ पैर जाए तो आप वो हाथ पैर आपके प्रजा में जो ले लेंगे, एक बार पूछ के तो। बोले, तू भाग नहीं जाएगा। नहीं जाएगा। नारद महामुनि को उन्होंने झाड़ से बांध दिया और अपने परिवार वालों के पास गया। बोला, ये कोई तंबूरा वाला आया है, उसने आज मुझे अजीब प्रश्न किया है। बोले, क्या। मैं ये जो लूट रहा हूँ, रोज़ गले काट रहा हूँ और पैसा जमा करके तुम्हें लाकर पाल पोस रहा हूँ, तो क्या मुझसे, वो कहता है कि पाप लगेगा, मेरे हाथ पर पड़ जाएंगे, मैं बीमार हो जाऊंगा, मैं पलंग पर पड़ जाऊंगा, तो क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे, तो इस पाप में तुम भी भागीदार होगे। सब पति पत्नी होंगे, हम क्यों भागीदार होंगे भाई, तुझे कहा है क्या तू लूटने के लिए, तू लूटा लाया बस हो गया काम, वो भागीदार वीगीदार हम बनने वाले नहीं। उसकी आँखें खुल गई, वो रोने लगा कि मैंने आज तक इतना लूटा, इतना सब किया, तुम्हारे लिए सोना लाया, तुम्हारे घर परिवार सब कुछ लाया, और तुम आज ये बात कहते हो, भाई हम तो लेने वाले नहीं, तुम्हारे पाप को हम नहीं लेंगे। उसने अपना लूटा हुआ सोना देखा, अपने घर में वो सब कुछ देखा और कहा, धिक्कार है मेरे जीवन को, मैंने आज तक क्या किया। और वहाँ से सीधे नारद महामुनि के पास आया और कहने लगा कि भाई महाशय, आज आपने मेरी आंखें खोली, मैंने मेरे परिवार के लिए इतना सब किया और मेरा परिवार कहता है कि मैं आज तुम्हें नहीं पूछूंगा, तुम्हारा ये सब कुछ नहीं है, मेरे जाने के बाद वो तो इसको भोगेंगे, लेकिन मेरे को देखने मेरे कोई करने वाले नहीं है, मेरे सेवा करने वाले नहीं है, ये क्या ज़िंदगी है, ऐसा कैसे हो सकता है। उसने कहा, तू क्या कर रहा है। अरे, मेरे तो इतने आँखें खुल गई, मेरे से रोना आ रहा है कि मैंने इतने दिनों तक इनको सबको पाला पोसा और ये लोग मुझे कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं। उन्होंने साफ साफ इनकार कर दिया कि हम क्यों हम तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सके, तो इसका कैसा। उन्होंने कहा, तो अगर मेरी बात सुनता है, मेरे हाथ खोल दे तो मैं तुझे आगे बताता हूँ कि क्या करना है। तो उन्होंने उनको शक्तिपात की दीक्षा दी और ज्ञान की दीक्षा दी। जब ज्ञान की दीक्षा देखकर उनके आंसू से अविरल आंसू बहते ही रहे
और उन्होंने तब पूछा कि प्रभु ये तो मेरी जिंदगी है, लेकिन संसार में ऐसे बहुत सारे प्राणी हैं जो अपनी कमाई किसी न किसी अन्याय से ही कमाते हैं, किसी न कोई धोखेबाजी से ही कमाते हैं, तो फिर ये सब लोगों का हाल यही हो रहा। तो उन्होंने कहा कि वो लोग भोग रहे हैं, वो लोगों के कार्यों में ऐसा हो रहा है। तो प्रभु मेरा तो उद्धार आप करोगे, मैं तो आपके चरण छोड़ने वाला नहीं हूँ, लेकिन उन लोगों का भी उद्धार हो जो ऐसा उनके जीवन में हुआ है, उन्होंने कुछ पाप किया, अपने माँ बाप को कभी गाली दी है, अपने माँ बाप को मारा है, अपने बाबा माँ बाप नाम नहीं सुना है, अपने पति बड़े लोगों का अनादर किया है और लोगों को लूटा है, धोखा दिया है, तो फिर ये लोगों का उद्धार कैसे हो। भगवान नारद कहते हैं कि आज ब्रह्मा के भी मानस पुत्र हैं, नारद जैसे सप्तमहर्षि हैं, वो लोगों के पुत्र हो पौत्र हो सब आनंद के साथ रहते हैं, आनंद के साथ जीते हैं, उनको धन धान्य किसी की कमी नहीं होती जो गुरु को धारण करता है, जो गुरु को अपने पास लेता है, जो गुरु मंत्र से अपनी गुरु सिद्धि पा लेता है। जिसके घर में दुर्भाग्य लिखा हो, अभाग्य लिखा हो, उस वो अगर इस चैत्र अमावस्या हो जो अवैशाख की अमावस्या कहते हैं, उस दिन अपने गुरु के चरणों में बैठकर एक विशिष्ट मंत्र है, रत्नाकर डाकू मैं तुझे वो मंत्र देता हूँ, अगर तू उसकी तपस्या करता है तो तू देख तेरे में बहुत ही फर्क आ जाएगा, तेरा भाग्य बदलेगा। तो उन्होंने कहा ये तो बात सही है कि मैंने लूटा और मेरे परिवारजनों को किया, लेकिन जो सद्बुद्धि आपने मुझे दी है मेरे परिवारजनों को भी दो गया। वो लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होगा, तो मेरे परिवारजनों को भी का दुख भी मैं देखना नहीं चाहता, क्योंकि उन्होंने तो मुझे लूटने के लिए नहीं कहा था, मैंने लूटा था और मैंने किया, इस पाप के भागीदार वो है कि वैसे वैसे मेरे तपस्या के भी भागीदार वो बने, मैं तपस्या करने चला हूँ, मेरे परिवार लोगों भी अच्छे हों, इसके लिए क्या करना। जिस घर में बच्चे जिद करने वाले होते हैं, माँ बाप की बात नहीं सुनते, माँ बाप को दुख प्रदान करते हैं, या जिस पति पत्नियों में ऐसा मनमुटाव होता है कि पत्नी को दुखी करता है, या पति दुखी रहता है, पति पीने वाला होता है, ये सारी परिवार में दुख के कारण बनते हैं। आजकल के युग में उस युग में भी था ऐसा नहीं, उन्होंने कहा कि ऐसे पुत्र क्यों पैदा होते हैं जो हम अच्छे संस्कार वाले जीवन जीते हैं, फिर भी पुत्र जिद करने वाले ऐसे होते हैं कि माँ बाप की बात नहीं सुनते, ऐसे क्यों होते। तो उन्होंने कहा यह ग्रहों का प्रभाव है, या उस दिन का प्रभाव है जिस दिन उसने जन्म लिया, जिसे हम जन्म कुंडली के नाम से कहते हैं। तो इसको बदलने की क्रिया क्या कर सकता है, तो काल या काली या फिर गुरु, ब्रह्म लिखित को भी बदलने की शक्ति केवल गुरु ही रखता है। तुम्हारी नसीब में कुछ लिखा था तो उसको बदलने की शक्ति केवल गुरु ही रख सकता है। हम देखते हैं कि हमारे पास अगर जैसा होना है वैसा ही होना है तो किसी गुरु के पास जाने की क्या आवश्यकता, किसी देवता के पास जाने की क्या आवश्यकता। हमारे जीवन में अगर दुर्भाग्य लिखा है, हमारे जीवन में कोई ग्रह खराब है, तो हम गुरु को उसके गुरु के पास या देवता के पास जाते हैं कि हमारा भाग्य बदलो भाई, हमारे भाग्य में सारा लिखा है, हमारे में बुराइयाँ हो रही है, हमारा काम नहीं हो रहा है। तो गुरु या देवता आपका भाग्य बदलते हैं, भाग्य बदलने की क्रिया करते हैं। तो तब नारद महामुनि ने जो बात उस रत्नाकर डाकू को की थी, और रत्नाकर डाकू ने अपने जीवन में वो मंत्र किया, बहुत महान बात में वो जो बदले वो है महर्षि वाल्मीकि। और उस वाल्मीकि महर्षि ने आपको तो सभी को बताया, जिनने रामायण लिखी, जिन्होंने गर्भवती स्त्री सीता को जंगल में छोड़ दिया तो अपने आश्रम में लाकर उनको पाला पोसा, लवकुश जैसे लोगों को दिया, और ब्रह्मांड में पहले कवि आदिकवि कहलाए। तो गुरु जी का कहना था कि ऐसे हम दुर्भाग्य रहने वाले, जिसके घर में बीमारियाँ ही बीमारियों की है, जिसके घर में कोई काम नहीं होता, जिसके घर में दुख है, जिसके घर में हर प्रकार की बाधा पड़ी हुई है, तो लोग आज की अमावस्या के दिन अगर यह गुरु साधना संपन्न करते हैं, केवल पांच माला साधना से साधना करते हैं और एक माला आहुति के डालते हैं रात में, तो उनके घर में इन बाधाओं से निराकरण होगा, इन बाधाओं ये बाधाएँ नहीं होगी। और यह बाद में क्या हुआ था